इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, लखनऊ में एक बैंक से 10 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया। बैंक में पैसा जमा कराने के लिए ग्राहक गया हुआ था और इस ग्राहक को लुटेरों ने बैंक के गेट के पास ही लूट लिया और उसका पैसा लेकर, उसका बैग लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वारदात लखनऊ के अलीगंज इलाके में HDFC बैंक की है। यहां बैंक में पैसा जमा कराने आए शख्स से बाइक सवार दो बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया। तस्वीरें आपके सामने, टेलीविजन स्क्रीन पर ये वीडियो। बैग अपने कंधे पर टांगे शख्स आगे बढ़ रहा था, अचानक से पीछे से बाइक सवार लुटेरा आया और कैसे उसे गिरा भी दिया, ये भी आप देखिए। उसके बाद युवक ने दौड़ लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा है। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस वारदात में एक बार फिर लखनऊ में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, अगर हालात वहां पर ये हैं, क्या उम्मीद की जाए। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता। तुषार, राजधानी में अगर ये हालात हैं, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि पैसा लेकर फरार हो गए, अपडेट फिलहाल दीजिए सबसे पहले इस मामले में। देखिए, कृष्ण जीवन रस्तोगी नाम के व्यापारी हैं, वो अपने पुत्र और ड्राइवर और मुनीम के साथ आए थे HDFC बैंक में पैसा जमा, HDFC बैंक से पैसा निकालने। जैसे वो पैसा निकाल के बाहर निकले, वैसे एक शख्स आता है और तीन शख्स एक बाइक पे आते हैं। एक शख्स बाइक पर से उतरता है और इनका बैग असलाह हटा कर बैग छीन लेता है और बैग छीन कर बहुत ही आराम से निकल जाता है। जबकि सबसे बड़ी बात, एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अलीगंज थाना है, जहां पे तमाम पुलिस के अधिकारी बैठते हैं, CO वहां पर बैठती हैं। तो एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि आखिर में वहीं पर पुलिस थाना होते हुए भी उसी बैंक में 10 लाख रुपए की लूट कर ली जाती है और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लगती है। जब ये घटना हो जाती है, उसके 20 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच रही है और पूरे मामले की तफ्तीश करके करने की बात कर रही है और कह रही है कि CCTV फुटेज निकाल लिया गया है और उन लोगों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, IG, SSP और ADG सहित तमाम आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए हैं और वहां पर पूछताछ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए हम आपसे फिर बात करेंगे।